नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है दो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अदर्स जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक कर देना। आप लोग लाइक करते हैं देन मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। एंड देन कमेंट कीजिए, कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे कौन कौन से स्टेट का और भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करना चाहिए। एंड कोई भी डाउट्स हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी रिलीज किया गया है, एक रेगुलर बेसिस पे एंड एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे आपका सैलरी मिनिमम एंट्री बेसिक सैलरी जो है वो 35,000 पर मंथ आपको मिलेगा एंड मैक्सिमम सैलरी इज 59,000, ठीक है। 35,000 कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगा फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, ठीक है। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ड्रॉइंग इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज में वैकेंसी रिलीज किया गया है। तीनों में एक एक करके वैकेंसी है, दो रेगुलर वैकेंसीज है एंड एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज है जो इंग्लिश में है, ठीक है। 33,000 कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलने वाला है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब जो आप इंग्लिश में यहाँ पे रिलीज किया गया है। एंड अदर्स जो जॉब है लाइक रेगुलर बेसिस पे, तो एंट्री बेसिक सैलरी उसमें 33,000 पर मंथ मिलेगा एंड 56,000 सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी आपको मिलने वाला है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट पीआरटी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रिलीज किया गया है, 28,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी इज 48,000 रुपीज पर मंथ। एनटीटी यानी कि नर्स ट्रेन टीचर के लिए एक वैकेंसी रिलीज किया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यहाँ पे 18,000 कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को जमा करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है एंड देन आपको अच्छे से फिल करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड देन आपको सेंड कर देना है। आप दोनों तरह से सेंड कर सकते हैं, एक तो आप मेल में सेंड कर सकते हैं जिसमें आप जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सारे अटैच करके आप मेल कर सकते हैं। मेल भी यहाँ पे जो है मेल आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो है 18 मार्च, यानी कि 18 मार्च तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। एंड कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए वो नीचे लिस्टेड है, लाइक इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, देन हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी, कॉमर्स के लिए अगर आपने कॉमर्स किया है अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में देन आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट अगर आपने इमकॉम कम्प्लीट किया है इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका यहाँ पे जो है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट कंप्यूटर्स के लिए देखिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लाइक अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई बीटेक एनी स्ट्रीम कंप्लीट किया है बट उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर्स तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में या एमसीए किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड जरूर होना चाहिए एंड आपका यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना चाहिए, 2 साल की कंटिन्यूअस सर्विस आपके पास होना चाहिए पीजीटी टीजीटी एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपने पीआरटी एनजीटी में किया है तो 3 साल की एक्सपीरियंस का जिक्र किया गया है यहाँ पे इन एनी एयरफोर्स स्कूल, ठीक है।
तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके साथ साथ जो है इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग एंड कम्युनिकेशन में आपका फ्लुएंसी होना चाहिए, एक्सेप्ट पीजीटी हिंदी के लिए। अब आते हैं मैक्सिमम एज लिमिट पर। तो देखिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 50 ईयर्स रखा गया है, मिनिमम इज 21 ईयर्स। अगर वीमेन कैंडिडेट एंड फिजिकल चैलेंज्ड कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पीजीटी के लिए। अब डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो देखिए सीटेड एस्टेट को यहाँ पे जो है डिजर्वेबल में रखा गया है, तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों के लिए सीटेड एस्टेट की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा जो है हिंदी में अगर आपके पास एबिलिटी है टू रीड राइट कम्युनिकेट, देन आपको यहाँ पे ऑल्सो प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर आप किसी के पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो बिना नॉलेज के भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। एंड संस्कृत के लिए देखिए संस्कृत आपका एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल, हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, सोशल स्टडीज के लिए एनी टू आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, बट किसी भी कॉम्बिनेशन में आपका जो है हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए देखिए मैथमेटिक्स के साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट मैथ्स के साथ आपका होना चाहिए। साइंस में आपका बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ये जो 3 सब्जेक्ट है ये 3 सब्जेक्ट मतलब जरूर होना चाहिए। ठीक है, डिग्री लेवल पे हेल्थ वेलनेस के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लाइक अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन काउंसलिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट म्यूजिक के लिए देखिए यहाँ पे म्यूजिक में डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन गेम्स कंप्यूटर के लिए वैकेंसी रिलीज नहीं किया गया है। ड्राइंग के लिए अगर देखा जाए तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, ग्राफिक आर्ट में, स्कल्पचर में, या फिर आपके पास 4 साल की डिप्लोमा होना चाहिए इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन और भी है। एंड उसके साथ साथ बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड इज मैंडेटरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर्स म्यूजिक गेम्स ड्राइंग हेल्थ वेलनेस टीचर। तो अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट, बट अगर आप ड्राइंग में अप्लाई करना चाहते हैं म्यूजिक गेम्स कंप्यूटर्स या फिर हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए तो यहाँ पे आपके बीएड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 21 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट एंड 50 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स सेम है, एक्सपीरियंस जो चाहिए यहाँ पे वो भी सेम है। ठीक है, डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन वगैरह सेम है। नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ आपने बीएड कंप्लीट किया है एंड आपके पास एक्सपीरियंस है पीआरटी एंटिटी कोई भी पोजिशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। एंड इंग्लिश में फ्लुएंसी ऑब्वियसली होना चाहिए बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मेनली इंग्लिश है। हिंदी सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास हिंदी में जो है एबिलिटी टू राइट रीड एंड कम्युनिकेशन वो आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरे के पूरे क्वालिफिकेशन के लिए है। आप बताएं एंटिटी यानी कि नर्सरी ट्रेन टीचर के लिए। तो देखिए अगर आपने 12th पास कंप्लीट किया है विद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी के सारे डिटेल सेम है लाइक मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस की जो जिक्र किया गया है वो भी सारे पोस्ट के लिए सेम ही रख दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास एनटीटी या पीआरटी के लिए 3 साल की कोई भी एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, कोई भी अगर एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। एंड डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन सारे सेम है, बाकी कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। फिलहाल तो नॉन टीचिंग स्टाफ में कोई वैकेंसी नहीं है तो फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे आके आपको क्या करना है, करियर में जाना है। करियर में क्लिक करते ही दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो है वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत आती है देन आपको यहाँ से जो है आप ये वैकेंसी जो है वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे मेल आईडी है एंड यहाँ पे आपका स्कूल का
एड्रेस भी है, ठीक है। 18 मार्च इज द लास्ट डेट एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, डाउट्स होता है तो आप कॉन्टेक्ट में पूछ सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए पूरे क्वालिफिकेशन का जो मैंने बताया अभी दिखाया वो यहाँ पे भी है। अगर आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे आपको दोनों लिंक मिल जाएगा, एक तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एंड एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बायोडाटा है या फिर एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो यहाँ पे है, ठीक है, 2 पेजेस का है। आपको यहाँ पे रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है, पर्सनल डिटेल्स देना है, एंड देन एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस अगर आपने किया है तो एक्सपीरियंस डिटेल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, एंड देन यहाँ पे डिक्लेरेशन देके सिग्नेचर डेट प्लेस, एंड देन आपको सबमिट कर देना है विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपका देखिए सुविधा है, आप अगर पोस्ट में नहीं सेंड करना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। बट ध्यान रखें 18 मार्च इज द लास्ट डेट, तो 18 मार्च से पहले आपको सेंड कर देना है। ये जो नोटिफिकेशन आया है एयरफोर्स स्कूल बरेली की तरफ से आया है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है, कुछ रेगुलर वैकेंसीज है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, बट जो भी वैकेंसीज है आप लोगों के लिए सारे ही वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। जो रेगुलर वैकेंसीज है वो तो अच्छा ही है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो भी मतलब आपके सीवी में वैल्यू ऐड करेगा फॉर प्रायर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके नन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।